वाराणसी नामांकन। जी आपको बता दें, चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत में 50 से अधिक उम्मीदवारों ने खरीदे पर्चे, सुरक्षा में तैनात पुलिस। आपको बता दें, आज वाराणसी में नामांकन था, जहां पर्चा खरीदने वालों में नामांकन के पहला दिन वाराणसी में सबसे पहले पीस पार्टी के परवेश कादिर खान नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। वहीं 10 मई को करेंगे नामांकन। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय, बसपा के अतहर जमाल लारी और पीडीएम प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव के साथ ही दर्जनों लोगों ने पर्चा खरीदा। लोगों ने लाइन में लगकर पर्चे खरीदे। हुए नामांकन के प्रथम दिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात रही। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। वहीं सीसीटीवी के जरिए भी पुलिस नामांकन स्थल की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। नामांकन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। तीसरी बार भी मोदी लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी से। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राइफल क्लब में नामांकन के लिए पीएम मोदी समेत कई दिग्गज आएंगे। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। भैया थोड़ा अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम परवेश कादिर खान है, बरास का रहने वाला। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आप जो है नामांकन पत्र खरीदने के लिए। अच्छा, पीस पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुआ वाराणसी से। पीस पार्टी से जी। कब दाखिल करेंगे? आज ही नहीं, 10 तारीख। 10 जी।